कहता हूं आपको, हिसाब लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा देखिए राजनीतिक ताकत में, भजन लाल को भी आप हमारा एक भाई कह रहा था, भजन लाल भी अगर आपने राजस्थान के मंजू गांव से इसका फर्जनामा करवाना है उसमें लिखा मिलेगा कौम जाट इसकी फर्ज जमीन की, चित भी अपनी और पट भी अपनी। 143 दिन रहा था यहां पर भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद राज इन्हीं के हाथ में है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमें कल भी राज चाहिए आज भी राज चाहिए, हम तो इन भाइयों को ही सरपरस्त बना करके अपना सरमौर बना करके अपने हकों की पैरवाई अपने हकों का हिस्सा मांगते रहे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम आज तक इनके साथ हैं तो फिर आज इन्हें हमारे से क्या तकलीफ होगी? आज तक जब हम 40 साल में साथ हैं तो आज एक आदमी के हिसाब पूछ लेने से क्या पीड़ा होगी? अगर एक आदमी ने खड़ा होकर के कि आप 40 साल से मालिक हो, आप घर के मुखिया हो, घर के जिम्मेवार हो, मैं कहां हूं, मेरा हिसाब कहां है, मेरे बच्चों के लिए जो मेरा हक बनता है वो कहां है, इससे क्या पीड़ा होगी? हिसाब घर के मुखिया से कोई भी पूछेगा, इसे उसमें सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। देगा नहीं देगा वो एक अलग बात है, लेकिन सुनना भी नहीं चाहता तो इससे ज्यादा आपके लिए और दुराचार भेदभाव क्या हो सकता है? भूपिंदर पिछलों ने तो जो किया किया, आपके हिसाब पूछने पे बंसीलाल से पूछा कि जी बाकी के अगर आप नहीं देते 52% लोगों के 52 इससे नहीं देते तो कम से कम 27% तो पूरा करो, उसे भी अपने परिवारवाद से बाहर निकलना दूभर समझा, वहां कुर्सी आपके लिए छोड़ दी, उसको हटा के दूसरा बनाया, वह उसका बाप निकला, रात को निष्ठा पाड़नी नवी बना देनी, जो चाहिए वही लगाने, एमपी एमएलए जाए बाढ़ में। और साथियों इस व्यवस्था से आज तिहाड़ जेल में मुझे अंदर करने के लिए जब हमने टोका पूछा तो 5 साल अंदर करने पीछे जो रखा, जिसको हम सिर पे मोड़ बांधे, जिसके हम सर पे ताज रखे, वो हमें अंदर करने की चेष्टा करे, शायद साथियों बदुआओं का यह असर है जो आज तिहाड़ जेल में, और मुझे अपने अपने